ठीक है आप जाइए अपना नाम भी जाइए, दूसरे जो धनिया नहीं बैठा ना उनको भी जाइए। नहीं मिले इधर आओ, क्या क्या है नंबर है देख इत्मीनान से बात करना है सर। दो भाइयों की गाड़ियां है, सही नंबर क्या बोले सामने भी नंबर है ना पीछे भी नंबर है। इधर ना मीसे होंगे ये ऊपर जाके आप देखना बेहतर नहीं है तो ले रहे वालों है ना किले के दो फायदा है उनको घर आपका है मेरा ओनर मैं कम से कम उन लोगों से तो क्या रिकॉर्ड है वो मालूम तो कर इनका हमारे साले का गाड़ी है उनको बुलाया आ रहे हैं। नहीं 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 वो ऊपर वाले नहीं मालूम बोल तो नहीं बोल रहे हैं लोग क्या है क्या नहीं वो भी घर को फ्रेंड को रहना वो भी देखते रहना है हम लोगों तरह से इंक्वायरी नहीं तुम्हार लोगों ने ज्यादा करना है इंक्वायरी घर दे सकते हैं బాబా ఏం చూడదు 2235 పంపించి రమ్మ इस प्रोग्राम में 200 से भी अधिक पुलिस बल के ऑफिसर्स और मैन ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 350 घरों को चेक किया गया। 73 व्हीकल्स टू व्हीलर जिनके पास कागजात सही नहीं पाए गए उनको अप्रिहेंड किया गया। एक थ्री व्हीलर और एक फोर व्हीलर भी सही कागजात न पाए जाने की वजह से यह अप्रिहेंड किया गया। हमारा कॉर्डन सर्च का मकसद होता है आवाम को ये मैसेज देना कि पुलिस उनके हर दुख दर्द में उनके साथ है, उनकी किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो वो पुलिस के पास आ सकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे और जो ज़रूरत उनकी हम पूरी कर सकते हैं हम करेंगे, जो हम नहीं कर सकते या किसी और डिपार्टमेंट के परिधि में जो आता है उसके लिए हम कंसर्न डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे।
हाल ही में हैदराबाद पुलिस के द्वारा कई नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। इस प्रोग्राम के दौरान हम आवाम को उससे भी वाकिफ कराते हैं। सी टीम के साथ साथ हाल में वाउ वुमेन ऑन व्हील का एक टीम भी, जो वुमेन पुलिस पेट्रोलिंग टीम है, उसको भी लॉन्च किया गया है। इनका मकसद है ब्लू कोल्ड टीम की तरह ही सड़कों पर घूमना और महिलाओं में, वुमेन्स में ये भरोसा दिलाना, खास करके बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेजेस, जहाँ पर उनको ज़्यादा संख्या में वुमेन होती हैं, खास मौके पर शाम के समय में, 10 बजे सुबह के समय में, उनको ये भरोसा दिलाना कि ये शहर आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, आप कभी भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, जिससे कि यहाँ के आवाम में एक सुकून और चैन का माहौल हो। उसके साथ ही साथ इस महीने से हम लोगों ने यहाँ एक जॉब कनेक्ट प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस जॉब कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा मीर चौक पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी एक स्टार्टिंग प्रोग्राम में 200 से अधिक एम्प्लॉयमेंट दिया गया। इसमें करीब 1000 से अधिक लड़कों ने भागीदारी की। इसमें कई लड़कियां भी, जो लेडी एस्पिरेंट्स थी, वो भी आईं, उनको भी जॉब मिला। अब एक बड़ा प्रोग्राम हम फलकनुमा में 19th को करने जा रहे हैं। इसमें 25 से भी ज़्यादा कंपनियों के आने की संभावना है और उनके एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज उनके पास रहेंगी। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पास भी डिग्री है, जिनके पास भी ख्वाहिश है, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि साउथ जोन में हम जितने अधिक से अधिक लोगों को उनके ड्रीम्स एस्पिरेशन के रास्ते पे, उनके जॉब के माध्यम से हम उनको एक लाइवलीहुड देने का कोशिश कर रहे हैं। और एक बार अगर किसी आदमी के अंदर एक काबिलियत आ जाए